बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बहुत अच्छा ट्राउज़र का डिज़ाइन लेके आने वाली हूँ। ये डिज़ाइन बहुत सी वीडियो अपलोड हुई होंगी इस तरह की, लेकिन मैं आपको एक नया आइडिया देने वाली हूँ। ये देखिए, ये अक्सर पेपर पट्टी पर लोग लगा के तो बनाते हैं, तो फिर या दामन बनाना हो, ट्राउज़र बनाना हो, कोई ट्राउज़र ऐसा होता है जिसका स्टफ बहुत मोटा होता है और ऊपर ये पेपर पट्टी लगा के हम जब डिज़ाइन बनाते हैं तो वो अक्कड़ सा जाता है और इस्त्री करते वक्त या पहनते वक्त वो अच्छे से नहीं होता। तो एक तो मैं आपको ये टिप दूंगी कि ये देखें, ये कापी का वर्क है, ये तो ये ग्लू होता है जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। ग्लू, ये ग्लू है, आप कोई भी ग्लू लेके इसको इसके साथ लगा सकती हैं ताकि एक दफ़ा कपड़ा धुले तो ये ख़त्म हो जाए, इसका अक्कड़पन ख़त्म हो जाए। लेकिन लगाना ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो ऊपर डिज़ाइन बनाना है वो हमने थोड़ा सीधा सीधा रहे तो फिर ही अच्छा लगेगा। अब ये मैंने डिज़ाइन बनाना है, पहले मैं आपको ये जो पट्टियाँ बनाई हुई हैं इसका बता दूँ। ये 1.25 इंच हमने पट्टी ली थी, तो जब तैयार की है तो हमारी 1.25 इंच रह गई है, क्योंकि एक हमने ब्लैक हिस्सा लिया है और एक हमने ये स्किन लिया है। क्योंकि मेरी कमीज़ में ये कलर था तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ट्राउज़र में ये कलर लगे, तो इसके लिए ये हो गया। अब मैंने ये पेपर लिया है, इसकी चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ये ट्राउज़र के मुताबिक ले ली है, और ट्राउज़र की लंबाई है, आप इसको ऐसे करके देख के इसकी इस जितनी लंबाई देख लें। अब आपने ये देखना है, ये आपने ध्यान रखना है कि आपकी शलवार फिर लंबी ना हो जाए। आपने अपने शलवार की लंबाई के तकरीबन, अगर आप मेरी शलवार की लंबाई है 38 इंच तैयार, ठीक है। अगर तो आप ऊपर लगाना चाह रही हैं इसके ऊपर, तो फिर आप इतनी शलवार लें, आप जितना फालतू 2.5 इंच कपड़ा है उतना ही लें। अगर आप इसके नीचे ऐसे लगा रही हैं तो फिर आपने 2.5 इंच जितना ये लगना है ये कपड़ा, उतना आपने कम कपड़ा लगाना है। इसके बाद आप ये जितना कपड़ा लेंगे इसकी लंबाई पूरे करने के लिए, आप उस अपनी शलवार या ट्राउज़र के मुताबिक उतना कम लेंगे, तो फिर ये आप इस पर ऐड करेंगे। ये हो गया। अब आ जाते हैं डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन के लिए ये मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा के एक साइड पे बारीक और एक साइड पे स्किन कपड़ा निकाल लिया है। तो ये लूप्स मैंने आपको, मैंने मेरी वीडियो में 3-4 मैंने बनाई हुई हैं, इसमें ये सीधी करनी बताई हुई हैं, तो आप मेरी किसी मेरे चैनल पे जाके किसी भी वीडियो को आप देख सकती हैं। तो ये मैंने तैयार कर ली है। अब आप इस तरह करना है कि ये जो ब्लैक हिस्सा है शलवार का, तो हमने पट्टी जो है ये वाली, ये वाइट लेनी है, स्किन लेनी है इस तरह। मैं इसको ऊपर रखूँगी इसके सामने और सिलाई के साथ इसको लगाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं सिलाई के साथ लगाऊं, सिलाई के साथ लगाते वक्त मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं एक ही टाइम में ग्लू लूंगी और इनको इस तरह लगा के इस तरह दोनों साइडों पे मैं ये ग्लू लगा के ये जो पट्टियाँ हैं ये जमा लूँगी। फिर मशीन के साथ मेरा एक तो काम जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, दूसरा नीट होगा, तीसरा ये मेरा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये हो गया। अब मैं इसकी ये पट्टियाँ ऐसे लगाती जाऊँगी इस तरह, इसी तरह आप हम ये लगा लेंगे। तो एक बात तो और वाजिया कर दूं कि ये जो हमने दरमियान में लगाई है, क्योंकि हमने दरमियान में सिलाई लगानी है, तो ये हमने दरमियान में लगाई है,
तो ये साइडों पे जो लगाया हुआ है ये हम अगर इस साइड पे और इस साइड पे पहले सिलाई लगानी होती तो वो काम था, ये आपने इधर लगा लेनी थी, लेकिन हमने ये दरमियान में पहले सिलाई लगानी है। तो इस साइड पे अगर अगर ना आप लगाएं, लगाना चाहें तो ना लगाएं। अगर आपने ये दोनों साइडें जोड़नी है तो फिर आपने इस दोनों साइडों पे ग्लू लगाना है। तो अब इसके हमने थोड़ा सा इसको इसी करके बैठा लेना, फिर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। हम दरमियान में ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब हम दरमियान में सिलाई लगाएंगे। ये डिज़ाइन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो दरमियान में सिलाई लगाने के बाद हमने ये जो इधर साइड पे लगाई थी इसको थोड़ा निकाल लेना है, ये जो सेट किया था, जो ग्लू लगाया था वो हमने निकाल लेना है। अगर तो हमने इधर सीधी सीधी सिलाई लगानी होती तो इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी थी, लेकिन हमने ये सिलाई को इस तरह मोड़ना है। ऐसे मोड़ते जाएंगे। अब हम इसको ऐसे मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई हमने इधर से इस साइड पे इसको मोड़ते हुए लगाई है, तो इस साइड पे जब आएंगे तो ये वाली सिलाई हमने इधर से ऐसे इस तरफ मोड़ते हुए लगानी है ऐसे। तो ये हम पूरी की पूरी सिलाई इस तरह लगा लेंगे। इसको हम इस रूप लेके गए हैं, इसको हमने इस साइड रूप लेके आए हैं, यानी कि जब भी सिलाई लगानी है इसको ऐसे मोड़ के ब्लैक कपड़ा ऊपर लेके आना है इस तरह। इस तरह ये मैं अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँगी। अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अगर आप इधर ऐसे लगाती हैं तो बढ़ा के, तो इस तरह इसको ऊपर रखें और सिलाई के ऊपर ऊपर इसकी सिलाई लगाएं और इसको पलट लें। लेकिन मैं इसको अपनी, मेरी लंबाई इसकी पूरी है तो मैं इस तरह रख लूँगी ताकि मेरी ये जो मगजी बाद में लगाएंगी वो मैं इस तरह इसको इसके साथ ऐसे कंप्लीट कर लूँ। मैंने पेपर लगाया ही इसलिए था कि जब ये मेरा ट्राउज़र धुले तो ये वाला पेपर नरम हो के फिर इसके साथ ही नरम शलवार हो जाए तो अकड़ जाता है इधर से, तो पेपर पट्टी मैंने नहीं लगाई। तो मैं इसको ऐसे लगा के और इस साइड को मैं कंप्लीट किस तरह करूँगी, ये देखिए। इसको मैं, ये वाली चीज़ है जो एक इंच बढ़ाई हुई है, उसको मैं इस तरह ऐसे लगाऊँगी, इस तरीके की मदद से इसको बैठा लूँगी और इस ऐसे लगाऊंगी, क्योंकि ये स्टफ़ मोटा है और अगर मैं इसकी कटिंग करूँगी तो इसके बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं, तो वो धागे निकलते रहते हैं, फिर वो शलवार ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको इसके दरमियान से कटिंग नहीं करूँगी, इस नहीं काटना चाह रही, ताकि मेरा ये इधर से नीट ले और इधर से भी नीट रहे। तो मैं पहले इसकी इस तरीके की मदद से इसको ऐसे सिलाई लगाऊँगी, ऐसे सिलाई लगा के और फिर मैं इसको इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लूँगी ताकि इधर मेरी मगजी भी हो जाएगी और इधर मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपकी शलवार की लेंथ कम है तो आप इसको ऐसे रखें, ऐसे रख के फिर आप इसको इस तरह रखें, इस तरह सिलाई लगाएं, फिर इधर आपने मगजी लगा लेनी है, चाहे ब्लैक लगा लें चाहे इस तरह की स्किन लगा लें। तो मैं इसके ऊपर ही रख के आपको बताऊँगी कि एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप ये काटे बगैर किस तरह ऊपर रख के लगाएंगी, तो दूसरा ये आप, मेरी लेंथ इतनी पूरी है तो मैं इसको इस तरह लगाऊंगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने ये इस ऐसे लेना, इसको ऐसे इसी की मदद से बैठा के तो फिर इस तरह सिलाई लगा लेंगे। एक तो आपका बम सिलाई की तरह हो जाएगा, ये देखिए आपका इधर से गुम सिलाई की तरफ हो जाएगा, दूसरा ये दागे नहीं निकलेंगे। तो अगर आप इसको बाद में उतार के सादी शलवार करना चाहेंगे तो सादा भी हो जाएगा। दूसरी साइड से आप इस तरह मजबूती तौर पर ये नीचे से लेके ऊपर लगा लें,
फिर इसका ट्रोज़र ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने साइड सिलाई लगा के, तो ये है मेरी फाइनल लुक। बहुत आसानी से बनाए। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।